वर्ग दसम के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग चतुर्था पाठ व्यायाम सत्तापथ्य के अंतर्गत श्लोक संख्या 7 से अध्ययन करना आरंभ करेंगे। सबसे पहले आप लोग अपने अपने सामने चतुर्था पाठ व्यायाम शतलापथ्य को खोलकर अपने सामने रखें ताकि विषय वस्तु को समझने में किसी तरह की कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। श्लोक संख्या 7 में यह लिखा हुआ है कि व्यायामं कुर्वतो नित्यं वृद्धमपि भोजनं विदग्धमविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। पुनः इस श्लोक का उच्चारण आप देखिए, चूंकि संस्कृत विषय में उच्चारण का बहुत ही अधिक महत्व है, इसलिए आप सभी दसम वर्ग के विद्यार्थियों को हम यह निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं कि आप लोग संस्कृत का शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करें। श्लोक संख्या 7 में पुनः हम उच्चारण हम देखेंगे, व्यायामं कुर्वतो नित्यं वृद्धमपि भोजनं विदग्धमविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। अन्वय देखिए, इस श्लोक का अन्वय, परीक्षा में अन्वय पूछता है, इसलिए अन्वय को हमेशा याद रखेंगे। और अन्वय जो रिक्त स्थान को भरना पड़ता है, किस आधार पर भरते हैं? श्लोक के भावार्थ के अनुसार। इसलिए अन्वय और श्लोक का भावार्थ आप याद रखिए, यह परीक्षा में जो बोर्ड का आप एग्जाम दीजिएगा उसमें यह पूछेगा। स्कूल स्तर पर, विद्यालय स्तर पर जो टेस्ट का एग्जाम होगा, परीक्षा होगा, उसमें भी यह प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न पूछता है। इसलिए श्लोक का भावार्थ और अन्वय को याद कीजिए, समझिए। देखिए, अन्वय हमें दिया है नित्यं व्यायामं कुर्वतः वृद्धमपि भोजनं विदग्धम अविदग्धं वा भोजनं निर्दोषं परिपच्यते। अब शब्दार्थ देखिए, विरुद्धम का मतलब होता है प्रतिकूल, विदग्धम का मतलब अच्छी तरह पका हुआ, परिपच्यते, परिपच्यते का मतलब हुआ पच जाता है। अब भावार्थ देखिए, नित्य व्यायाम करने वाले को, जो प्रतिदिन व्यायाम अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लिए हैं, जैसे खाना हो गया, सोना हो गया, इत्यादि अन्य क्रियाएं उनके दैनिक जीवन का एक अंग है, उसी तरह से व्यायाम भी उनके दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। ऐसे लोग पका या कच्चा सब तरह का भोजन आसानी से पचा जाते हैं। ठीक है, याद रखिए, शरीर तभी स्वस्थ रहता है जब आपकी पाचन शक्ति, डाइजेस्टिव पावर बढ़िया होता है। और जब पाचन शक्ति, डाइजेस्टिव पावर सही नहीं होगा तो आपका शरीर भी स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए आप
करते हैं, वे आपको अपना एक अभिन्न अंग बना लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। चलिए अब श्लोक संख्या 8 में देखिए, व्यायामो ही सदा पत्यो बलिनांग स्निग्ध भोजिना सौ चौशीते वसंते चौतेसां पथ्यतमः स्मृतः। अब हम अनव्यय में आएंगे। अनव्यय में यह दिया हुआ है कि स्निग्ध भोजिनाम वसायुक्त भोजिनाम, नहीं एक मिनट, अनव्यय लिखिए, स्निग्ध भोजिनांग बलिनां च व्यायामः ही सदा पथ्य भवति, सह व्यायामः शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। अब देखिए शब्दार्थ देखिए, अस्निग्ध भोजिनां का मतलब हुआ चिकनाई युक्त भोजन व भोजन खाने वालों का, पथ्यम मने उचित। अब इसका भावार्थ देखिए, चिकनाई वाला भोजन खाने वालों तथा बलवानों के लिए व्यायाम हमेशा ही स्वास्थ्यवर्धक होता है, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला होता है। उनके लिए सर्दी और वसंत आदि सभी ऋतुओं में व्यायाम परम स्वास्थ्यवर्धक बताया गया है। इस प्रकार श्लोक संख्या 8 आपका समाप्त हुआ। श्लोक संख्या 9 आप देखिए, श्लोक संख्या 9 में यह दिया हुआ है कि सर्वेश्वरी तुस्व हरह कुंभे रात्म हितैषिभिः बलस्यार्थेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतो अन्यथा। अन्वय लिखिए, अतः आत्म हितैषिभिः कुंभी सर्वेषु ऋतुषु अहरदः बलस्य अर्धेन व्यायाम कर्तव्यः अन्यथा अन्ति। शब्दार्थ आप देखिए, अहरः मने प्रतिदिन, कुंभीः मतलब लोगों के द्वारा, आत्म हितैषिभिः मने अपना भला चाहने वालों के द्वारा, हन्ति मने हंती मने मारता है। चलिए अब भावार्थ आप देखिए, भावार्थ को समझिए, लिखा हुआ है अतः मने इसलिए, अपना कल्याण अगर आप चाहते हैं तो आप सभी ऋतुओं में, ग्रीष्म हो शरद हो वर्षा हो वसंत हो, सभी ऋतुओं में प्रतिदिन बल के आधे भाव से व्यायाम कीजिए, नहीं तो उसका असामयिक है ना निधन, मृत्यु निश्चित है। आज हम लोगों ने श्लोक संख्या 9 तक का अध्ययन किया, कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। आज आप सभी दसम वर्ग के विद्यार्थी आज का गृह कार्य के रूप में शब्दार्थ को स्मरण कर लेंगे, साथ ही श्लोक का शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे। कल यह आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।